हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन में ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 7 स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे आप इसकी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपको स्टार्ट मेनू के ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर डिस्प्ले अडाप्टर का ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए। डबल क्लिक कर इस ऑप्शन को आप एक्सटेंड कीजिए। फिर आपको यहाँ पर ग्राफिक कार्ड को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर ग्राफिक कार्ड को सेलेक्ट करना है। राइट क्लिक कीजिए, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कीजिए, ब्राउज में कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर शो हो जाएंगे। तो आप इसको यहाँ पर से सेलेक्ट कर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स। तो ये प्रोसेस कम्प्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके गाइस, तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों, आपको यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। आप यहां पर देख सकते हैं साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर, तो यहां पर ये ऑप्शन को आप एक्सटेंड कीजिए डबल क्लिक कर। उसके बाद आपको यहाँ पर साउंड के ड्राइवर को जो है अपडेट कर देना है। राइट क्लिक कीजिए, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पर क्लिक कीजिए। साउंड के भी ड्राइवर यहां पर से इजीली अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। स्टेप नंबर 2, दोस्तों आप जो है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन गेम को battle.net में इंस्टॉल किए हैं या फिर स्टीम एप्लीकेशन में इंस्टॉल किए हैं, तो आप जो है उस एप्लीकेशन को ओपन कर जो है गेम को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको उसकी प्रॉपर्टी में जाकर, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर वेरीफाई इंटीग्रिटी गेम्स फाइल्स, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो है एप्लीकेशन को क्लोज कीजिए। स्टेप नंबर 3, आपको विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ की सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर चेक करना है आपके पास कोई भी अपडेट यहाँ पर पेंडिंग में नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो है विंडोज़ अप टू डेट है, तो आपके पास भी विंडोज़ अप टू डेट होना चाहिए। उसके बाद आप इस सेटिंग को क्लोज कीजिए। स्टेप नंबर 4, आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। फिर दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से टाइप करना है गूगल क्रोम के सर्च बार में डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद आप जो है डायरेक्ट टैक्स को जो है इंस्टॉल कीजिए आपके पीसी में। अभी यहाँ पर इसको क्लिक कर ओपन कर लेते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट टैक्स आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको जो है सिंपल यहाँ से राइट क्लिक कर ओपन के ऊपर क्लिक कर इसको इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर फिर से सर्च बार में टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++, आपको जो है इसको डाउनलोड कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ डाउनलोड हो गया है। आप इसको भी राइट क्लिक कर यहाँ पर ओपन के ऊपर क्लिक कर इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं आप अपने PC में। उसके बाद आप गूगल क्रोम को क्लोज कीजिए। स्टेप नंबर 5, आपको जो है टास्क मैनेजर ओपन करना है। स्टार्ट मेनू पर राइट क्लिक कीजिए, टास्क मैनेजर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर प्रोसेस में आप जो है बैकग्राउंड में जो भी ऐप्स अननेसेसरी ऐप्स अगर रन हो रहे हैं तो आप उसको डिसेबल कीजिए, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद एंड टास्क के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज जो है क्लोज हो गया है। तो इस तरीके से अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी ऐप्स बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं तो आप उसको डिसेबल कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्टअप टैब में आना है और आपको जो है यहाँ पर स्टार्टअप टैब में आप देख सकते हैं अगर आपके पास कोई भी एप्लीकेशन PC स्टार्ट होते ही रन हो रहा है तो आप उसको भी यहां से डिसेबल कीजिए। जैसे कि अभी यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एज है और यहां पर विंडोज़ सिक्योरिटी है और आप यहां पर देख सकते हैं एक्सबॉक्स ऐप सर्विस है, तो यहां पर
राइट क्लिक कर कर डिसेबल के ऊपर क्लिक कीजिए। तो अभी ये ऑलरेडी डिसेबल है तो मेरे पास एनेबल का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पर डिसेबल कर देना है। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए, स्टेप नंबर 6। उसके बाद आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कमेंड प्रॉम्प्ट, फिर आप राइट क्लिक कर कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर देना है, ओके। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये प्रोसेस 100% कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके गाइस, तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको कमेंट प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देना है। स्टेप नंबर 7, आपको कॉल ऑफ ड्यूटी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप राइट क्लिक कीजिए, जैसे कि एग्जांपल अभी आपको यहां पर बताने वाला हूँ battle.net ये एप्लीकेशन है, इसको जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर कर राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं battle.net एप्लीकेशन शो हो रहा है। तो इसी तरीके से आपके पास कॉल ऑफ ड्यूटी एप्लीकेशन शो हो जाएगा, आप उसको सेलेक्ट कीजिए। राइट क्लिक कर कर आपको जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कंपेटिबिलिटी टैब में आना है, फिर आप जो है यहाँ पर रन दिस प्रोग्राम इन कंपेटिबिलिटी मोड इस बॉक्स में आपको चेक करना है, और यहाँ पर रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इस बॉक्स में भी आपको चेक करना है। उसके बाद आप अप्लाई के ऊपर क्लिक कर कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।